हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम के अंदर हमें बिल बनाना है, तो बिल कैसे बनाया जाता है? देखिए, बिल बनाना बड़ा एक सिंपल काम है। अगर आपने परचेज एंट्री पास कर रखी है तो सेल्स में सीधा एंट्री पास कीजिए और वहां पर आपको बिल मिल जाता है। ये टैली का मेन जो मेन्यू है वो है, मैं कई बार बता चुका हूँ, ये टैली का मेन मेन्यू कहलाता है। ये जो गेटवे ऑफ टैली आता है टैली प्राइम में, ये टैली का मेन मेन्यू है और इसी टैली के मेन मेन्यू से आपका बिलिंग का काम होगा। तो अभी हमें चलना है कहाँ, वाउचर में। तो जो भी बिल बनाना है वो सब वाउचर में जाके ही बनता है। अभी हम कौन से वाउचर में, पेमेंट वाउचर, लेकिन हमें चलना है सेल्स वाउचर में क्योंकि हम बेचने जा रहे हैं सामान। भाई टैली क्यों यूज होता है? टैली खरीद और बिक्री के पर्पज से यूज होता है, यानी आप सामान कहीं से लाएंगे परचेस करके फिर उसको ज्यादा दाम में बेचेंगे, जो बीच का प्रॉफिट होगा वही आपका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के लिए सारा काम होता है, तो इसीलिए ये टैली यूज होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, सीधा चलेंगे सेल्स में। F8 प्रेस करना है, सेल्स वाउचर में आना है, जो हमारे पास स्टॉक आइटम मौजूद है उसको हम सेल करेंगे। तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल दिया, यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर हो रही है सेलिंग। ध्यान दीजिएगा, सेलिंग दो तरीके की होती है, एक कैश वाली और दूसरी क्रेडिट वाली। क्रेडिट यानी उधार की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक डेटर पार्टी का लेजर लगाऊंगा, हम लोग उधार की ही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये डेटर पार्टी का लेजर है, आप चाहे तो बना भी सकते हैं। कैसे बनेगा, ऊपर आपको क्रिएट का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ क्रिएट पे जाकर के एंटर कर दीजिएगा और यहाँ पर एक डेटर पार्टी का लेजर बनाता हूँ, जैसे उमेश डी कर देता हूँ। डी से आपको पता लगेगा कि ये डेटर पार्टी ही है, ठीक है, डेटर है हमारी। और यहाँ पे सन्ड्री डेटर के ग्रुप में इसे डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सन्ड्री डेटर। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये सब यस रहेगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा और एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कराइएगा। इस तरीके से एक्सेप्ट कराएंगे, फिर इसको भी एंटर 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 करके डिटेल वगैरह जो भी है भर के एक्सेप्ट करा लीजिएगा। यहाँ पर आता है सेल्स अकाउंट का लेजर, अगर आपको नहीं बनाने आता तो यहाँ पे क्रिएट दिया गया है, क्लिक करके सेल्स अकाउंट लिखिएगा और उसे अंडर सेल्स अकाउंट में डाल दीजिएगा। फिलहाल मेरे पास बना हुआ है तो मैं यहीं पर एंटर कर देता हूं। ये एंटर कर दिया, यहां पर आ गया जी। अब हमारे पास क्या क्या स्टॉक आइटम मौजूद है वो देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास अमूल घी है, तो अमूल घी का काफी स्टॉक आइटम हमारे पास मौजूद है और देखना होगा कौन से गोडाउन में मौजूद है, ये भी देखना होगा। तो न्यू कॉलोनी गोडाउन में 43 किलो है, तो हम 10 किलो बेच देते हैं यहाँ से और ये सेलिंग की प्राइस यहाँ आ रही है। आप चाहे तो और प्राइस बढ़ा भी सकते हैं, सर 920 भी कर दिया, 900 था 920 कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे जीएसटी का लेजर आपने पहले से बनाया होगा परचेस करते वक्त ही, तो यहाँ पे जीएसटी का लेजर लगाइए, काम आपका हो गया, ये बिल बन गया आपका, देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर एंटर करिए, एंटर करिए और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। चाहे तो आप नरेशन यहाँ पे डाल सकते हैं, ये देखिए मैंने खाली छोड़ा है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा द गुड्स हैव बीन सोल्ड, सोल्ड मैंने बेच दिया, ठीक है, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। बस यही तो है, अब बिल देखना है तो यहाँ से स्केप, स्केप यानी ESC का एक बटन होता है कीबोर्ड में, ठीक ऊपर होता है लेफ्ट साइड में ESC का बटन, उसे प्रेस कीजिएगा दो बार, बाहर आ जाइएगा और यहां पर आपको क्या करना है, दो बार डी प्रेस करना है। जैसे ही दो बार डी प्रेस करेंगे यहां पर आ जाएंगे और अब हमें सेल्स वाला बिल देखना है तो यहां पर जाकर के एंटर कीजिएगा और अल्ट पी करिएगा, एंटर करिएगा और आई बटन प्रेस कर लीजिएगा, तो आपको आपका बिल जनरेट होता हुआ नजर आ जाएगा। तो देखिए यही आपका बिल है, ठीक है, पूरा बिल आपको दिखाई दे रहा है, कुल मिला के 10,120 रुपए का बिल बना है, देख लीजिए सारी डिटेल यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है। तो बिल बनाना है तो ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है।